चाहे जानते हो कुछ, चाहे बिल्कुल बुद्धू हो, यदि भगवान को मानते हो तो भगवान तुमको बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों से भी अधिक महत्व देंगे। विद्वानों से प्यारे लगते प्रभु को भक्त दीवाने, चाहे वो जाने या ना जाने, लेकिन मानते हैं। रावण जानता है लेकिन मानता नहीं। क्या रावण को नहीं पता चारों वेदों का ज्ञाता है? क्या रावण को नहीं पता कि पर नारी पहनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीस गए पर नारी के संग। रावण सब जानता है फिर भी हरण करता है। तो रावण जानता है लेकिन वो मानता नहीं। कारण क्या? रावण का कोई गुरु नहीं है, रावण का मस्तक कभी संतों के आगे झुकता नहीं है। रावण को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए हनुमान जी हैं, गए पूंछ में आग लगाई। विभीषण ने समझाया रावण को, वो भी संत है, तो लात मारी। अंगज ने समझाया, उनका तिरस्कार करने को उतारू हो गया। पत्नी ने समझाया, उन पर जाम लगा दिया, तुम सोती या डाह रखती, मेरे सुख को नहीं देखती। नाना माल्यवान ने समझाया, रावण कहता है मुझको समझाने की आवश्यकता नहीं, मैं सब जानता हूं। नाना ने जो आप कह रहे हैं वो सब मैं जानता हूं। तो रावण जानता है, चारों वेदों का ज्ञाता है। बुद्धि के बल प्रभु राम की रावण करे परीक्षा, नकली मृग जाएगा, यदि भगवान होंगे तो पहचान लेंगे नकली है, और यदि भगवान नहीं होंगे पहचान नहीं पाएंगे। ये इस बुद्धि के बल पर राम की परीक्षा करना चाहता है। जब राम जी छुपना चाहेंगे तो बोलो अनजान बन जाएंगे कि नहीं भगवान? भगवान कहते रावण तू नकली बाबा जी बन के आया, मृग भी नकली आया, और इससे पहले तुम्हारी बहन भी नकली सुंदर और नकली कुमारी बन के आई, सुपर्णखा बहन भी नकली बन के आई, मार्च मृग भी नकली बन के आया, रावण बाबा जी भी नकली बन के आया, तो सीता जी भी नकली जाएगी और मैं भी नकली राम बन जाऊंगा, नकली भगवान, मतलब अनजान की तरह मैं भी मृग के पीछे भागूंगा। जब तुम नकली नकली तो नकली को नकली मिलेगा, असली नहीं। तो भगवान अपने ऊपर पर्दा डाल के रखा और अनजाने बन गए, क्योंकि बुद्धि के बल पर भगवान को जानना चाहता है। भगवान जानने की चीज नहीं, भगवान मानने की चीज है। गुरु जानने की चीज नहीं, गुरु मानने की चीज है। जाना बुद्धि से जाता है। क्या हम अपने बड़ों को जान पाएंगे? गुरु जानने की चीज नहीं, गुरु मानने की चीज है। गुरु को जानो मत, गुरु को मानो और गुरु की मानो। गुरु को सुनाओ मत, गुरु की सुन। ऐसी भगवान जानने की चीज नहीं, भगवान केवल मानने की चीज। यदि तुमको खुजली मिटानी है, जानना ही है ना, तो अपने आप को जानो। यहां लगाओ पूरा दिमाग, अपने आप को जानो। भगवान जानने की चीज नहीं, गुरु जानने की चीज नहीं, ये दोनों मानने की चीज। जाना यहां से जाता है और माना यहां से जाता है। दिल मानने के लिए है, बुद्धि जानने के लिए। तो बुद्धि लगानी तो आत्म समीक्षा करो, आत्म निरीक्षण करो, अपने आप को जानो। तुम कहां हो, कहां जाना, तुम क्या हो, तुम आत्मा क्या है, ये तन क्या है, ये माया क्या है, इनको जानो ना, अपने आप को जानो। ज्ञान आत्मा तक जाता है, जानना आत्मा तक और मानना परमात्मा तक। जब हम बुद्धि के द्वारा बढ़ेंगे इस अध्यात्म में तो आत्म तत्व लाभ कर जाएंगे परमात्मा में। अहम ब्रह्मस्मि, यहां तक पहुंच जाओगे ज्ञान के द्वारा कि मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा तक ही पहुंच पाओगे ज्ञान के द्वारा, परमात्मा तक नहीं। परमात्मा ज्ञान का वो नहीं, परमात्मा को
मानने के लिए। हमारे ग्रंथ बार बार कहते हैं, संत बार बार कहते हैं, भगवान जानने की चीज नहीं, भगवान मानने की चीज है। जानना है अपने आप को जानना, जानना है संसार को जानना। संसार को जानना क्या है? ये नश्वर है, विनाशी है, दुखदाई है, दुख रूप है। जानो इस बात को संसार की। लेकिन संसार को जानने की कोशिश नहीं करते, संसार को मानते हैं। जानते हैं कि छूट रहा है, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं। संसार को जानो, मानो मत इसको। जानो, जानना यही है ना, हम इसके हैं ना ये हमारा है। छूटेगा, मौत कंपलसरी, दुख रूप है संसार। ये जानो इस बात को, और अपने आप को भी जानो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इस बात को जानो। बस बुद्धि यहीं तक है, बुद्धि लगाओ दो जगह, अपने आप को जानने में, संसार के जानने में बुद्धि लगाओ। अब रही बात गुरु और गोविंद की, यहां आने से पहले बुद्धि को तोड़ मोड़ के कुएं में फेंक दो, क्योंकि यहां बुद्धि के द्वारा प्रवेश नहीं है। ये प्रेम राज्य है, श्रद्धा का, भक्ति का राज्य है, ये हृदय का राज्य है, बुद्धि का नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिमानियां फेल हो गए, रावण जैसी हस्तियां, इतने बड़े विद्वान फेल हो गए, राम जी तक नहीं पहुंच पाए, राम को जान नहीं पाए। उनके तो सामने राम है, नकली मृग भेज रहे हैं, नकली बाबा जी बन के जा रहा है। नकली बनकर के असली को पाया जाता है क्या? झूठ के सहारे सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। नकली बाबा जी बन के आया रावण, नकली मृग बन के मारी जाया, तो नकली से असली की खोज कैसे होगी? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। आत्मा पाने की वस्तु नहीं है, वो तो तुम स्वयं हो, स्वयं को क्या पाओगे? आत्मा पाने की वस्तु नहीं है, केवल जानने की वस्तु है। आत्मा ना पाने की वस्तु है, ना त्यागने की वस्तु है। आत्मा को ना पाना है ना त्यागना है, बस जानना है कि ये तुम हो। और संसार को जानना है और इसको त्यागना है, और परमात्मा को मानना है और अपना मानना है। ये तीन चीजें। तो संसार में कर्म की प्रधानता है, आत्म ज्ञान पाने के लिए ज्ञान की प्रधानता, और भगवान को पाने के लिए श्रद्धा प्रेम विश्वास की प्रधानता है। गुरु चाहे भगवान, दोनों को जाना नहीं जा सकता। इनको जितना मानोगे उतनी आगे बढ़ते चले जाओगे। इसलिए कहा, जाने या अनजाने, जो भी हरि को माने। उदाहरण दिया कि बुद्धि ज्ञान के बल से कोई उनको पा नहीं सकता, श्रद्धा प्रेम बिना इस मार्ग कोई जा नहीं सकता। सोई जाए श्याम रूप के बन गए जो परवाने, जाने या अनजाने, जो भी हरि को माने।